जिला कांगड़ा की निजी बस ऑपरेटर यूनियन में उपजा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। यूनियन के सचिव अजय परिहार और कोषा अध्यक्ष संदीप ने अन्य ऑपरेटर्स के साथ मिलकर अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन सचिव अजय परिहार ने कहा कि वह जिला अध्यक्ष हैप्पी अवस्थी को अपना प्रधान नहीं मानते। जिला अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोप तथ्य से परे हैं। यदि जिला अध्यक्ष ने झूठे आरोप लगाना बंद नहीं किया तो हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। वहीं जिला अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें वर्ष 2018 में यूनियन से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन इस बारे में कोई भी पत्राचार नहीं किया गया है। जिला अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2019 में निदेशक परिवहन से किए गए पत्राचार में यूनियन के लेटर हेड में उनका और कोषा अध्यक्ष का नाम भी शामिल था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की तरफ से, उसी के संदर्भ में मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ पे जो कल हमारे पे मुद्दे उठाए गए थे या कह लें कि इल्ज़ाम लगाए गए थे, उनका स्पष्टीकरण कह लें या उनका जो हमारे पास जो तथ्य थे जो कल प्रस्तुत नहीं किए गए थे, उन तथ्यों को सामने रखने के लिए आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे बुलाई है। जैसे हमें कहा गया कि दिसंबर 2018 में हमें निष्कासित कर दिया गया था यूनियन से, तो उस बारे में कोई भी पत्राचार कह लें, टेलीफोनिकली कह लें, हमें मुझे या संदीप जी को ऐसा उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ था। और 2019 में वो निदेशक परिवहन महोदय से एक पत्राचार करते हैं अपने लेटर हेड पे, जिसमें सेक्रेटरी मेरा नाम कोषाध्यक्ष संदीप जी का नाम था। तो ये बात प्रूफ करती है कि उन्होंने जो बात कल कही थी वो सरासर गलत थी। यदि उन्होंने ऐसा कुछ किया था, ऐसी कोई मीटिंग की थी जिसमें हमें यूनियन के पदाधिकार से निकाला गया था, तो ये पूरे जिले को इफेक्ट, ऑपरेटर्स को इफेक्ट करने वाली चीज़ थी। तो उसके अगले दिन उन्होंने किसी समाचार पत्र में इस संदर्भ में कोई ना तो कोई खबर आई जिससे कि बाकी ऑपरेटर पता लग जाता कि अब हम 28 दिसंबर 2018 के बाद यूनियन के पदाधिकारी नहीं रहे, ताकि वो हमसे कोई पत्राचार या किसी भी तरह का हमसे कोई विचार विमर्श या अपनी समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमसे कोई समस्याओं का निवारण करने के लिए किसी अफसर से मिलने के लिए हमसे संपर्क ना करते। और ये गलत है कि मैंने आपको किसी तरह की गाली गलौज की है या उनको कोई धमकी वगैरह दी है, सरासर गलत है। इलेक्शन हो और एक स्वच्छ इलेक्शन हो, पारदर्शी इलेक्शन हो, इसमें जो बंदा जो एक अकेली बस वाला है वो भी आके किसी भी पद के लिए आवेदन कर सके, वो भी जीत के आगे बन सके। ये नहीं है कि मैं एक बार बन गया तो फिर सदा के लिए मैं ही बन गया। कि आरोप सही हैं तो सर माथे, अगर आरोप गलत हैं, मिथ्या फैलाने वाले हैं, तो फिर तो हमें न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। जिलाधीश महोदय से एक गुजारिश की हुई है कि जिस दिन हमारे इलेक्शन हो तो हमें कोई सरकारी अफसर एक पर्यवेक्षक के रूप में दिया जाए, ताकि वो सुनिश्चित करे कि जो भी ये प्रक्रिया हुई है बिल्कुल पारदर्शी है, इसमें कोई भी ये नहीं मतलब घपलाबाजी नहीं हुई है, घपलाबाजी में इन द सेंस की कोई पक्षपात नहीं हुआ है, और जो भी जीत के आए चाहे कोई भी है, वो जब इलेक्शन होते हैं तो कोई भी जीत के आए वो हमारे सर माथे पे हमारा मान्य है, चाहे वो हैप्पी अवस्थी भी जीत जाए, चाहे वो कोई भी एक सिंगल बस वाला भी जीत जाए, वो हमारे सर माथे, वो हमारा प्रधान है, सर मान्य प्रधान है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।